ताओ ते चिंग में लाओ त्जु ताओ की तुलना पानी से करता है। पानी जीवन दे सकता है, किसी भी कंटेनर के अनुरूप हो सकता है, किसी भी बाधा के आसपास बह सकता है, पहाड़ों को नष्ट कर सकता है, शहरों को नष्ट कर सकता है, साफ कर सकता है, चंगा कर सकता है, सबसे निचले और उच्चतम स्थानों की यात्रा कर सकता है, आसानी से और कुशलता से आगे बढ़ सकता है और परिस्थितियों के अनुसार बर्फ, पानी या वाष्प में बदल सकता है। और ताओ ते चिंग के एक अनुवाद में 8वें अध्याय में लाओ त्ज़ु कहता है, सबसे अच्छा आदमी पानी की तरह है। ताओवाद में इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को एक ऋषि के रूप में संदर्भित किया जाता है और पानी के गुणों को अपना कर ऋषि ताओ के करीब आते हैं। मैंने कहा था कि पानी को कई तरह से वर्णित किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी एक मुख्य विशेषता है, यह निराकार है। और क्योंकि यह निराकार है, फॉर्मलेस है, पानी खुद को किसी भी रूप में बदल सकता है। ठंड में बर्फ में बदल जाना या गर्मी में वाष्प, स्थिति के अनुरूप इसे जो कुछ भी चाहिए वह बन सकता है। तो जल रूप ऋषि भी निराकार ही होंगे, लेकिन निराकार होने का क्या अर्थ है? एक निराकार मन निरपेक्ष अनंत विस्तृत विकास करने में सक्षम है। एक बच्चा निराकार का एक महान उदाहरण है, उसका मन अभी भी ताजा निर्जरा और दुनिया से बिना शर्त है। इसके सामने क्षमता के अलावा कुछ भी नहीं है और यह पूरे दिन सीखने के अलावा कुछ नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे कई बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनका दिमाग शांत होता जाता है, वे और अधिक बन चुके होते जाते हैं और वे सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जल सदृश ऋषि एक मन को धारण करते हैं जो निराकार असीम और निरंतर सीखने वाला कठोरता का भाव और किसी भी स्थिति का जवाब देने में सक्षम है। तो मन में कठोरता का क्या कारण है? कठोरता तब होती है जब मन एक अवरोध पैदा करता है जो उसे नई जानकारी प्राप्त करने से रोकता है। एक मेज पर उल्टा रखकर पानी से भरे गिलास की कल्पना करें। गिलास के बगल में जहर की बोतल है। पानी मन का प्रतिनिधित्व करता है, गिलास भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है और जहर संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मन संघर्ष से इतनी बुरी तरह से रक्षा करना चाहता है कि वह अपने आप को झूठ बोलकर अपने चारों ओर एक भ्रम का निर्माण करता है। भ्रम एक आत्म पृथक बाधा है। हालांकि जहर गिलास में प्रवेश नहीं कर सकता, फिर भी पानी भी कहीं जा नहीं सकता। दूसरे शब्दों में कोई और ज्ञान मन में प्रवेश नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए एक आदमी क्योंकि वह अजीब है दूसरों के साथ कुछ खराब बातचीत करता है, लेकिन अगर आदमी अपनी अजीबता को स्वीकार करता है तो वह जानता है कि वह विवादित होगा, इसलिए वह भ्रम पैदा करके संघर्ष से खुद को बचाता है। वह खुद को बताता है कि समाज हारे हुए लोगों से भरा है जो बात करने लायक नहीं है। झूठ एक ऐसी चीज है जो संघर्ष को सुलझाने का भ्रम देती है। झूठ बोलने के बाद झूठा मानता है कि उसने संघर्ष को त्वरित और आसान तरीके से सुलझा लिया है, लेकिन जाहिर है इसे हल करने के बजाय उन्होंने संघर्ष को भविष्य में धकेल दिया जहां यह और कड़वा हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक माँ अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वह कॉलेज में दाखिल हुई है। माँ ने बच्चे की शिक्षा में बहुत समय और प्रयास लगाया यह सुनिश्चित करते हुए कि वह इसमें प्रवेश कर सके, लेकिन बेटी कभी कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने कभी अप्लाई नहीं किया। बेटी जानती है कि सच्चाई उसके और माँ के बीच संघर्ष का परिणाम होगी, इसलिए संघर्ष से बचने के लिए बच्ची झूठ बोलती है और हाँ कहती है। बेटी को लगता है कि उसने संघर्ष को सुलझा लिया है, लेकिन उसने वास्तव में इसे भविष्य में धकेल दिया है। आखिरकार उसे अपनी माँ के सामने यह स्वीकार करना होगा कि वह दाखिल नहीं हुई, लेकिन मान लीजिए कि वह वास्तव में झूठ के लिए प्रतिबद्ध है, बाहर निकलती है और अपनी माँ को साप्ताहिक रूप से बुलाती है, कुछ ऐसा करती है जैसे वह कॉलेज में है। उसने परोक्ष रूप से खुद को सिखाया कि संघर्ष को सुलझाने के लिए झूठ बोलना एक प्रभावी और उचित तरीका है। इसलिए अब जब उसे संघर्ष का एहसास होगा तो वह दूसरों से झूठ बोलना शुरू कर देगी, तो न केवल उसका झूठ बढ़ता रहेगा और हाथ से निकल जाएगा, बल्कि वह कभी नहीं सीखेगी वास्तव में संघर्ष को कैसे हल करें। लेकिन ऋषि संघर्ष को कैसे संभालते हैं? ऋषि का मन अपनी निराकारता का उपयोग समुद्र के आकार तक बढ़ने के लिए करता है।
अब यदि आप समुद्र में विष जो संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं गिराते हैं तो क्या होता है? वो पतला हो जाता है? केवल एक महासागरीय मन, ओशानिक माइंड ही वास्तव में एक संघर्ष को हल करता है, क्योंकि यह सभी संघर्षों को अपने में ले सकता है और उन्हें पतला कर सकता है। इसे संघर्ष से छुआ नहीं जा सकता। भले ही ऋषि के मन में एक मजबूत जहर गिरा दिया गया हो, जैसे जैसे उनका दिमाग बढ़ता और फैलता है, सभी जहर, प्रदूषण और संघर्ष अंततः कम हो जाते हैं। एक समुद्री मन सदाचारी होता है, इसलिए नहीं कि वह बनना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह किसी भी चीज के संपर्क में आता है तो वह अपनी पवित्रता और अपने जीवन देने वाले गुण को बरकरार रखता है। दूसरी ओर झूठे का दिमाग संघर्ष से खुद को बचाने के लिए भ्रम पैदा करता है और ऐसा करने से कठोर बन चुका हो जाता है। भ्रम मन को ज्ञान से काट देता है और खुद को विस्तार से वंचित कर देता है, इसलिए यह एक गिलास के आकार में फिक्स हो जाता है। और इसलिए जब झूठे का दिमाग जहर के संपर्क में आता है तो वह आसानी से दूषित हो जाता है, अपने जीवन देने वाले गुण को खो देता है। यह ताओ ते चिंग के बारे में सिर्फ मेरी राय और समझ है, सलाह नहीं। इस जानकारी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, हालांकि आप इसे पसंद करते हैं। और यदि आपके पास ताओवाद में पानी के विषय पर एक अलग सोच है तो कमेंट्स में आपकी राय जरूर लिखें।